वैकुंठ लोक में जय विजय दो द्वारपाल थे। तो सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार एक बार भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ गए तो जय विजय द्वारपाल ने रोक दिया, कहे कि आप नहीं जा सकते, परमात्मा ब्रह्म अभी चिंतन में लगे हुए हैं, अभी उनका चिंतन का समय है, अभी मत जाइए। तो सनकादि ऋषि कुमारों ने उन्हें साप दे दिया जय विजय को, बोले कि वैकुंठ के सातवें द्वार में आने के बाद तुम दोनों कौन होते हो जो हमें रोक लो। अब ये तो विचार करो कि हम वैकुंठ लोक आ पहुंचे हैं, वो अभी सातवें द्वार पर आ चुके हैं। तो वो बोले कि हमारे परमात्मा के दर्शन में तुम दोनों बाधक हो, इसलिए हम ऋषिगण तुम्हें शाप देते हैं। और उसी शाप के कारण भगवान विष्णु भी समझ गए थे कि जय विजय शुरू से ही यहाँ के द्वारपाल रहने के कारण से उनके मन में अहंकार भर गया था, इसलिए उनकी अवनति होना आवश्यक है, उनको वैकुंठ से उनका पलायन हो जाना ही जरूरी है, तब आगे चल करके जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष होते हैं। हिरण्यकशिपु बड़ा भाई रहता है, हिरण्याक्ष छोटा। दूसरे जन्म में त्रेता में रावण और कुंभकर्ण होता है, रावण बड़ा भाई होता है और कुंभकर्ण छोटा रावण से। और द्वापर में वही जय विजय शिशुपाल और दंत वक्त्र होता है। तो इन जय विजय को शाप देने के पश्चात वो दोनों द्वारपालों का वैकुंठ से अधोपतन हो जाता है। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, महर्षि कश्यप की जो दो पत्नियां थीं, दिति से दैत्य हुए राक्षस, जितने भी राक्षस हुए, और अदिति से देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, देवताओं का जन्म हुआ, तो पिता एक ही हैं कश्यप, और कश्यप की पत्नी दिति और अदिति, तो एक दृष्टि से राक्षस और देवता आपस में भाई ही हैं। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये जब प्रथम सर्वप्रथम ये दिति के गर्भ में थे तो माता दिति ने 100 वर्ष तक उस गर्भ को धारण किए रखा, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया था कि यह आगे चल करके घोर दैत्य होंगे और भगवान विष्णु से शत्रुता करेंगे। आगे स्वयंभू मनु के पुत्र का वृत्तांत आता है, ये जिस मनु और शत्रुपा के बारे में हमने आपको बताया, तो स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए और उनकी बहन देवहूति हुई। और अभी कश्यप और दिति अदिति के बारे में बताए तो वो मरीचि का पुत्र था कश्यप, तो ब्रह्मा का पुत्र मरीचि और मरीचि का पुत्र कश्यप।
और कश्यप का पुत्र हिरण्यकशिपु। एक बार हिरण्याक्ष का दिग्विजय के लिए जाना होता है और ब्रह्मा जी से तपस्या करते हैं, वरदान मांगने के हेतु तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो क्योंकि मनु ने ब्रह्मा जी से कहा था कि पृथ्वी तो रसातल में है और जब तक पृथ्वी ऊपर नहीं आएगी, जल के ऊपर नहीं आएगी, तब तक हे पिताश्री सृष्टि का विकास कैसे हो सकेगा। तभी भगवान ब्रह्मा की नाक से एक अंगुल का एक वाराह का स्वरूप धारण कर लेते हैं। वाराह भगवान, बोलिए वाराह भगवान की जय। तो हिरण्याक्ष से युद्ध होता है, किस लिए? पृथ्वी के लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि पृथ्वी मेरी है, भगवान विष्णु की पत्नी है पृथ्वी, और इसलिए भगवान वाराह का रूप धारण करते हैं, जिसे हिरण्याक्ष ने रसातल में ले गया था। और पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी है, 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी, उसको हिरण्याक्ष रसातल में ले गया था, उस सिरहाने में रख करके आराम फरमा रहा था। तो हिरण्याक्ष ऐसे पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। वाराह देवता, वाराह भगवान जो है, फिर नीचे जा करके हिरण्याक्ष का और वाराह भगवान का युद्ध होता है। युद्ध में हिरण्याक्ष मारा जाता है, भगवान वाराह जो है, वाराह देखे ना, सुअर जैसे पशु के आकार का एक जंतु है, जिसमें दो बड़े बड़े दाढ़ होते हैं, उनके दांत जो दाढ़ जिसको कहते हैं, उसी दाढ़ के द्वारा फिर उस धरती को ऊपर, जल के ऊपर लाते हैं वो वाराह देवता। तो हिरण्याक्ष को कनपटी पर तमाचा मारते हैं, नेत्र बाहर आता है, वीर गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार से वाराह भगवान पृथ्वी को जल के ऊपर ला करके स्थापित करते हैं। फिर सृष्टि का विस्तार होता है, पृथ्वी तो जरूरी है ना सृष्टि के विस्तार के लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।